कुल्लू जिला मुख्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुल्लू के सभागार में एनपीएस कर्मचारी महासंघ कुल्लू ने खंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जिला अध्यक्ष विनोद डोगरा की अध्यक्षता में सैकड़ों एनपीएस कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारी सम्मेलन में एनपीएस के विरोध में एनपीएस हिमाचल छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर एनपीएस कर्मचारियों ने ओपीएस बहाली के लिए संकल्प लिया और प्रदेश सरकार से जल्द पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा करने का आग्रह किया। सबसे पहले आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती पर हम सभी एनपीएस कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे राष्ट्रपिता को हमने श्रद्धासुमन अर्पित किए और महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए ही जिस प्रकार से उन्होंने आज़ादी का आंदोलन लड़ा था, उसी प्रकार से एनपीएस कर्मचारी संघ भी एनपीएस से आज़ादी किस प्रकार से हम ले पाएंगे। एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है पिछले कई वर्षों से और लगातार जितनी भी सरकारें रही हैं उनके सामने हमने अपनी बात रखी है कि हमारे लिए पुरानी पेंशन की बहाली कितनी ज़रूरी है। ये आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है और हमारे प्रदेश में और केंद्र में जो सरकार है उनको भी मालूम है कि पेंशन आज कितना बड़ा मुद्दा है। उसके बावजूद न जाने किस वजह से सरकारें पुरानी पेंशन की बहाली नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों के अंदर भारी रोष है और वो बढ़ता ही जा रहा है। आप सभी को मालूम है सरकार का ये आखिरी साल है और कुछ ही समय में आचार संहिता लगेगी और इलेक्शन का समय है। कर्मचारी सिर्फ ये बात कहना चाहता है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हैं, हम अपनी ओपीएस के साथ हैं। हम उसी का समर्थन करेंगे जो ओपीएस बहाल करेंगे। जो भी राजनीतिक दल या मौजूदा सरकार अगर ओपीएस बहाल करती है हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनका पूरा समर्थन करेंगे। आज भी ज़िला कुल्लू के सभी कर्मचारी आज यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और एक बार फिर से हमने जो ये कैंपेन वोट फॉर ओपीएस शुरू की है ये किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं है, ये सिर्फ हमारी अपनी ओपीएस के समर्थन में है और हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अपना वोट उसी दल को दें जो हमारी पेंशन की बात करे, जो हमारे भविष्य और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसी के लिए हम लोग वोट करेंगे। और आज जो भी ये बात हमारे यहाँ से रखी जा रही है इसका यही मकसद है। इसके साथ हमारी राज्य कार्यकारिणी ने जो आज ये शुरू किया है एनपीएस हिमाचल छोड़ो, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था उसी प्रकार से एनपीएस हिमाचल छोड़ो का नारा हम लोगों ने गांधी जयंती के अवसर पर दिया है। आज पूरे हिमाचल में हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें एनपीएस हिमाचल छोड़ो का प्रण जो है कर्मचारी ले रहे हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।